में सरपंच पद के प्रत्याशी हेमंत कुमार तारम ने हितग्राहियों को मुफ्त में राशन और पैसे बांटे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रत्याशियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने पर तहसीलदार से कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो वहीं तहसीलदार ने सरपंच पद के प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। पैसा में देते हैं राहुल जैसे कि समय चावल ज्यादा हुआ आगे हमें घर के किलो चावल दी 35 फ्री में दी। क्या नाम है महंजन? कहाँ रहते हैं? पिटेचुआ। वहाँ पे पंचायत में जांच किया गया कि जो अभ्यर्थी है वो पंचायत पद का प्रत्याशी है इस बार, और उसके द्वारा मौके पे जिस सबसे पंचनामा तैयार किया गया उस व्यक्ति का बयान लिया गया। अब इसको जिले में भेजा जाएगा उप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, ताकि इसमें आगे कार्रवाई किस प्रकार की जाती है वो देखा जाएगा। अगर उल्लंघन के मामले में जो भी एक सजा का प्रावधान है वो उनको मिलेगा।